आप सभी को जानकारी भी होगी कि आज का हमारा विषय क्या है। कुछ ही पल का हम और वेट करेंगे ताकि हमारे सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएं। धीरे धीरे हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो कुछ ही समय में हम अपने मूल विषय पर आएंगे। तब तक कुछ बातें हो जाएं, क्योंकि आप और हमारा साथ काफी लंबा हो गया है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप और कोई समय चाहता है तो जल्दी से जुड़ जाएं। शुरू करें। तो मेरे साथ हैं आज उषा जी। तो मैं उषा जी से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि उषा जी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। मैं जो उषा जी के बारे में कहना चाहूंगा तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भी हमारी टीम के एक मजबूत पिलर्स में से एक हैं। जी आशा जी। नाम मेरा उषा है और मैंने जी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है योगा में, और पिछले 6 सालों से मैं सर के साथ काफी साथ जुड़ी हुई हूँ। जी और कुछ? और बहुत सारे चेंज योगा से मुझे मिले, ओके मतलब आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे बहुत बहुत अच्छा, में। बहुत ज्यादा अच्छा था। ओके सो आज का, जैसा कि उषा जी और हमारे दर्शक सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो भी पिछले हफ्ते का जो हमारा विषय था उसी से कुछ मिलता जुलता है। बेसिकली महिला नॉट समस्या बट महिलाओं के ऊपर में ही ये हमारी सीरीज चल रही है। पिछले हफ्ते हमने असामान्य मासिक धर्म रखा था और इस बार हमने रखा है कि हैप्पी पीरियड्स। तो आइए अब हम उसी पर बात करते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्या है हमारा विषय, और आज का हमारा जो विषय है उन 5 दिनों के ऊपर में चर्चा का विषय है कि वो जो 5 दिन होते हैं उसमें क्या क्या होता है। किसी महिला को कोई समस्या होती है, किसी को कुछ होती है, तो कैसे हम उन 5 दिनों को हैप्पी पीरियड्स कह पाए, कैसे हम उन 5 दिनों को सुखमय बना पाए, कैसे हम उन्हें एंजॉय कर पाए। कुछ गलत तो नहीं कह दिया उषा जी मैंने? इंजॉय करना बहुत जरूरी है इस चीज को, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। प्रकृति हमें हमें दी है, पर ये बहुत अच्छी चीज है, इसको एंजॉय ही करें। तो हम चाहेंगे उषा जी आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी सी एक बैकग्राउंड एक जानकारी दे दें कि अभी जो आपने बोला कि इसको हम एंजॉय करें, जबकि अमूमन देखा यही जाता है कि इन दिनों किसी महिला को सर में दर्द होता है, किसी महिला को कोई और समस्या हो जाती है, जी मिचलाता है, पर्सन टू पर्सन किसी महिला को 2-3 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पैरों में कमर में दर्द होना, तो ये आम बात है। तो ऐसी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जिससे कि हमारे साथ जुड़े सभी जो लोग हैं, क्योंकि तो मैं आपको बताऊं उषा जी हमारे समाज में आज भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं होती, जी सर, तो उसमें क्या होता है कि अज्ञानता हो जाती है कि मान लीजिए कि कोई जी मिचला रहा है तो हम उसका कुछ और मतलब निकालने लग जाते हैं, जबकि एक सामान्य सी प्रोसेस है और उसमें जी मिचला रहा है तो हम उसको उसके साथ में ना जोड़ते हैं कि ऐसा होता है। तो वो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, मैं सिम्टम्स जानना चाहता हूँ इसे, और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो इस दौरान होते हैं और जो कि सामान्य है। बेसिकली होता क्या है, 5 दिन का होता है, किसी को 2 दिन का, एक से दो, और किसी को 1 से 5 दिन का। उसमें क्या होता है कि आपको पेट में दर्द होगा, बैक पेन होगा, बॉडी में अकड़न होगी, बहुत सारी कुछ कुछ ऐसी चीजें होगी, जी मचलाना लगेगा, वॉमिटिंग भी लगती है इस चीज को। बट इस चीज में आपको बहुत सारी महिलाएं सोचती है कि नहीं, आराम किया जाए उससे ठीक हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। आप वॉक करें, वॉक करके देखिए, बहुत रिलैक्स फील होगा। अगर आपको पेन हो रहा है, थोड़ा सिकाई वगैरह कर लीजिए, आपको रिलीज। आपका कहने का अर्थ है कि उन दिनों जब हम दर्द इत्यादि से पीड़ित हैं उस समय पर वॉक की जाए, लेकिन हाँ उसमें तो आप दर्द हो करके रहा है। देखिए, बहुत रिलैक्स फील होगा। मैं करती हूँ,
जी हाँ दर्शकों, उषा जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि उषा जी मुद्दे की बात पर आई हैं। जो आमतौर पर दर्द होता है उस दर्द से निजात पाने का सबसे पहले उन्होंने सलूशन ही बताया है कि यदि दर्द हो रहा है आपको, दर्द होता है उन दिनों, तो आप वॉक करें। वॉक करने से क्या क्या फायदे होते हैं उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपकी कोई समस्या, कोई ऐसा सिम्टम जो छूट रहा हो, ऐसी कोई आपके साथ में कॉम्प्लिकेशन, तो वह आप कमेंट के माध्यम से आप भेजिए। हमारी टीम आपकी कॉम्प्लिकेशंस को नोट कर रहे हैं पीछे और वो हमारे तक पेश करेंगे उसको, और हम उस पर भी चर्चा करेंगे। कोई भी आपका विषय हो तो संकोच ना करें, यह कोई शर्म इत्यादि का विषय नहीं है। मैं जैसे कि पिछले हफ्ते भी बतला चुका हूँ कि ये जो मासिक धर्म है ये दो चीजों का सूचक है। एक कि आप में प्रजनन की शक्ति है, यानी कि आप में वे सारे गुण हैं जो धरती माता में गुण है, और आप में भी माता बनने के पूरे गुण मौजूद हैं। और दूसरा कि पिछले हफ्ते आपने गर्भधारण नहीं किया है, बस इतना सा। और यदि आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो मे बी समथिंग देयर इशू, और अदर मे बी यू आर प्रेग्नेंट, तो कोई भी कॉज हो सकता है। आज हमारा जो विषय है वो यही है कि वो जो सुखमय दिन है उनको सुखमय कैसे बनाया जाए। सबसे पहले उषा जी ने बतलाया वॉक, तो अभी तो आप लोग कीजिए, मेरे साथ में प्रोग्राम कीजिए, उसके बाद में वॉक जरूर कीजिएगा। और करके देखिए ये चीजें, बहुत रिलैक्स फील होगा। इसी में उषा जी, और क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे कमर दर्द होता है। बैक पेन होता है कभी जी कभार फीमेल्स को। बेसिकली क्या होता है, जो पॉइंट आपका वीक है उसमें हाँ आपको थोड़ा दिक्कत होगी। जैसे ओके मेरा साइड ऐसा होता है कि बैक पेन होता है। ओके, तो आपको बैक पेन होता है, आप लोगों को क्या क्या इस दौरान दिक्कत आती है जरा लिख के भेजिए, ताकि हमें पता चले कि ज्यादातर लोगों के साथ में कौन सी समस्या होती है, तो हम उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो हुए हमारे लक्षण, इसके कारण क्या क्या है उषा जी, कारणों पे जोर हम चर्चा करेंगे, कारण क्या क्या है। कारण सबसे ज्यादा अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट मतलब जैसे जंक फूड लोग कि खाते हैं, सब लोग जंक फूड पे। आजकल इंडिया में, दिल्ली में जंक फूड भरा पड़ा था। पिज्जा, ओके जंक फूड, बर्गर, मोमोज, स्पेशली मोमोज, चाउमीन, नूडल्स, सब मतलब ये चीज खा रहे हैं, तो अनहेल्दी होना ही है। लेकिन ये तो महिलाओं को बहुत पसंद होती है, आप तो जानते हैं महिलाओं को, इवन आपको भी मैं कहूंगा चटकारे ही पसंद मैं होंगे, नहीं वो खाती टिक्की। हूँ, जब से मैं 6 साल से योग में आई हूँ मैं नहीं खाती हूँ। मतलब पिछले 6 साल से आपने ये चीज नहीं खाई है। नहीं खाई ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं है, कोई भी चीज ऐसा इंसान नहीं है कि अब खाएंगे ही नहीं, पर उस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओके, आपका अर्थ है नियम से। जी हाँ, योग का जो दूसरा पायदान होता है यम के बाद और आसन से पहले, उषा जी उस नियम की बात कर रही हैं। और योग इतना ही सरल है मित्रों कि नियम से हमने कोई भी चीज खानी है अथवा नहीं खानी है। कि आजकल के युग में रहते हुए चुप, मैं ये बोल दूं कि मैं चाय नहीं पीता, आप मत पीजिए चाय, मैं चाय पीने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा, आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू टेक टी, बट यदि आप कहीं गए हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप उसकी चाय ठुकरा देते हैं या स्वीकार कर लेते हैं। तो वैसे ही ऊंचा जी कुछ बात कह रहे हैं कि वो नहीं खाते, वो नियम से खाती हैं, कभी कभार खा लिया नहीं तो नहीं खाते हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि जो अभी वो बोल रहे हैं कि इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे वो उभर चुकी हैं। ये जो मासिक जो ये जो पीरियड होता है, ये जो 5-7 दिन का ये जो होता है, ये जो अंतराल होता है, इसको वो सुखपूर्वक एंजॉय करते हुए गुजारती हैं। और क्या क्या है जी इसके सिम्टम क्या क्या होता है? इसके जो कारण है, कारण बात कर रहे हैं कि एक तो अनहेल्दी फूड हो गया हमारा, कि हमने अनहेल्दी फूड खाया, तो इसमें हमने बात कर ली कि बाहर की जितनी भी जैसे पिज्जा मोमोज, आजकल ये जो पैक्ड फूड आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे लेज हैं, कुरकुरे हैं, पैक्ड बहुत फूड। ही हार्मफुल होता है, बिकॉज ऑफ इसमें ऑक्सीजन होता जी, इसके लिए उषा जी कह रहे हैं कि ये जितने भी ये जो पदार्थ बनाए जाते हैं मित्रों, इसमें एक प्रोडक्ट, एक ये इसमें डाला जाता है, इसमें तत्व डाला जाता है, मोस्टली सभी चीजों में होता है, उसका नाम है अजीनोमोटो, जिससे क्या है ये बड़े स्वादिष्ट बन जाते हैं। तो ध्यान से कोई भी चीज खाएं, ध्यान से खाएं, जितना है। ये बाहर का आप चटपटा मसालेदार तना बुना खाएंगे, यानी
आपने ये 20-22 दिन 25 दिन यदि इसका आनंद लिया है, तो बाकी फिर वो जो आखिरी के दिन है ना, उनमें बड़ा क्यों के लिए, आपको पता है ना, जैसा हम बोएंगे, जैसा हम करेंगे, वही तो हम होते ना। पेड़ बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से हुए, कि हमने यदि ऐसे कर्म करे हैं, हमारी डाइट ऐसी रही है, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल रही है, तो ऐसा ही होगा जी। कोको कोला भी आजकल बहुत चल रही है, बहुत बहुत ज्यादा है, तो वो इसमें लाभदायक होगी या नुकसान देगा? बहुत नुकसान। अब ये बात मैं जानता था उषा जी, फिर भी मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों का कंफर्म करना चाहता हूँ कि मित्रों, जानते तो बेसिकली आप भी हैं, सभी जानते हैं, जानते हैं ना, सब जानते हैं, पर अवॉइड करते हैं। यस, फिर भी हम आंखें बंद कर ले, जैसे बिल्ली आंखें बंद कर लेती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता, मुझे नहीं देख रही है बिल्ली, और बिल्ली पीछे से आकर से पकड़ के ले जाती है, हम भी क्या करते हैं, वही करते हैं। तो मित्रों, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम बेसिकली अपने विषय से थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक इसलिए कि हम आज आपसे सुझाव मांग रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने प्रोग्राम किया था, और आप देख रहे हैं जब से लॉकडाउन स्पेशली हुआ है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं लाइव चलते हैं, हम भिन्न भिन्न विषयों पर हम अपने प्रोग्राम प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, एक शब्द में बताएंगे? आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ बताइएगा जरूर, हम हाँ। आपके सलूशन के लिए ही बैठे हैं यहाँ, तो आप झट से बताइए आपको आपकी प्रॉब्लम्स का हल मिल सके। आप झट से बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या रुझान आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं हमारे दर्शकों की ओर से? और यदि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आप हमारे प्रोग्राम को ऐसे अपने अपने फोन में जाना है, और जहां पर भी आपको हमारा प्रोग्राम दिख रहा हो, जो हमने लिंक दिया है, उस पे नीचे यहाँ पर कहीं पर एक बटन लगा होगा ऐसे, ये शेयर वाला, इसको ऐसे दबाएंगे और ये दोबारा से शेयर ना दबाएंगे, बस। यदि आपको प्रोग्राम हमारे अच्छे लगते हैं तो, और नहीं अच्छे लगते तो प्रोग्राम देखें, अपनी राय अपने कार्यक्रमों को पेश कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर जी। हम बात कर रहे थे कारणों पर, तो कारणों में मित्रों एक और जो कारण है इस दर्द के लिए, वो है हमारा क्रोध, चिंता, अवसाद, तनाव। ये जो मानसिक एस्पेक्ट है ना, मेंटल जो हमारे इश्यूज हैं, वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये हमें पेनलेस या पेनफुल पीरियड होगा, इस बात पर बहुत निर्भर है कि हमारा जीवन कैसा है। मान लीजिए कि तनाव है, पति पत्नी में तनाव है तो भी होगा, और पति पत्नी में यदि तनाव है तो उनमें जो आपस में जो संबंध है, शारीरिक संबंध जिसे हम संभोग कहते हैं, वो भी अपर्याप्त मात्रा में होगा, स्त्री असंतुष्ट रहेगी तो भी पीरियड्स हमारे पेनफुल होंगे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमें पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है हमारा ब्लड जी, ब्लड की कमी। इसको कैसे देखते हैं आप? ब्लड की कमी इसलिए होता है कि मासिक धर्म जो भी होता है वो अपने जो रेगुलर होता है वो कम होता है उससे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो मतलब, हमारा मतलब स्त्रियों का जो ब्लड लॉस इन दिनों हो जाता है, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि इस दौरान यानी पीरियड्स के दौरान 5 ml से लेकर 80 ml हर महीने ब्लड लॉस होता है, लेकिन वो ब्लड वैसा नहीं होता जैसा कि हमारी इन वेन्स में दौड़ रहा है। ये ब्लड बहुत पतला होता है, और वो जो ब्लड होता है जो उन दिनों निकलता है वो काफी गाढ़ा होता है, और जो हम उसको ऐसा पतला कर दें तो काफी ज्यादा मात्रा हो जाती है, यानी बहुत सारे जो खून है उसका कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा खून उस दौरान निकलता है, जिसकी जो मात्रा होती है 5 ml से 80 ml के बीच में रहती है, यानी काफी ब्लड लॉस होता है हर महीने। जो ब्लड लॉस होता है उसमें
जो खून है उसमें मुख्य मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये जो तत्व है हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो बैक्टीरियाज हैं, कुछ हमारे टिश्यूज हैं, डेड सेल्स हैं, ये बहुत सारी चीजें निकलती हैं हमारे शरीर से, यानी स्त्री के शरीर से निकलती हैं। तो हर महीने जब एक जो बच्ची है प्यूबर्टी एज से लेकर के मान लीजिए कि 10 साल से 12 साल से एक जो लड़की है वो उसका स्टार्ट हुआ और हर महीने वो ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे कि 100 में से 90% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक होती है, यानी कि ब्लड की कमी होती है, खून की कमी। क्या लेवल होना चाहिए? 12.5 होना चाहिए, यानी जो आइडियल है वो 12.5 है। आपका कितना है? आप में से जो महिला दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं वो बतलाएं हमें, हो सकता है कि आपका 8 हो 9 हो 10 हो, कितना है आपका? यदि आपका कोई सर्टेन लेवल पर यदि कम है और यदि आपको नहीं पता है तो कल ही जांच करें, अपनी जांच करवाएं और पता लगाएं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, यानी कि आपके जो ब्लड की क्वालिटी है वो क्या है और वो किस कारण से घट रही है। ऐसा तो नहीं कि आपको 15 दिन में 20 दिन में पीरियड हो रहा है जिससे क्या है ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो रहा है और रक्त की कमी होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी हाँ मित्रों, ये जो दर्द वाली जो हम बात कर रहे हैं शुरू से अब तक, तो कुल दर्द इस समय पर बहुत होता है और ये जो दर्द होता है इसमें खून की कमी यानी एनीमिक होना एक सबसे बड़ा कारण है। अप्राकृतिक जीवन शैली, अप्राकृतिक भोजन और जिनकी हमने बात करी, तनाव इत्यादि की बात करी, रिलेशंस की बात की, वो सब सेकेंडरी इशू है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो एनीमिक होने का। तो ये थे हमारे कारण। अब हम जल्दी से बात करेंगे निवारण की, कि जैसा कि हमने सबसे पहले मान लिया सबसे बड़ा जो हमारा कॉज है, तो कॉज है हमारा खून की कमी। तो इस खून की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करें उषा जी, क्या इसका उपाय है, क्या घरेलू उपाय है इसके लिए कि हम, क्योंकि लिए मैं सिर्फ बताऊं आपको कि मैं जब योग विषय में जानकारी नहीं रखता था, यानी कि मतलब सच बोलना योग है, वो मैं बचपन से जब मैं छोटा था जब मैंने बोलना शुरू किया तब से मैं सच बोलता चला रहा हूँ, आज भी मैं सच बोलता हूँ, तो आई एम योगी, मैं बचपन से योगी हूँ। बट योग की जब मैंने शिक्षा आरंभ की, जब मैंने सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा करना शुरू किया, उस समय तक मुझे ये चीजों की जानकारी नहीं थी। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि ऐसे घरेलू चीज, क्योंकि मैं भी पहले जाता था डॉक्टर के पास, नहीं आता बुखार हो गया डॉक्टर साहब कुछ दे दो, आज भी मेरे पास में सैकड़ों फोन आते हैं वो यही होते हैं, चाहे घुटना दर्द हो, सर दर्द हो, कोई भी हो, कुछ खाने के लिए बता दो। इवन उषा जी आप मानेंगे कि मोटे लोग जिनका वजन 100+ है, 113 किलो वजन है, वो भी ये पूछता है कि कुछ ऐसा खाने के लिए बता दो कि मैं पतला हो जाऊं। कैन यू बिलीव इट? आप बिलीव करेंगे? आप में से बहुत सारे लोग हैं, बताइए कौन कौन मुझसे पूछता है फोन कर कैसे प्रश्न कि कुछ खाने के लिए ऐसा बता दो कि मैं पतला हो जाऊं, मतलब वहां पर भी खाना खा खा के तो इतने मोटे हो गए उसमें भी खा करके पतले होना है, तो ये फॉर्मूला मेरी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि खाने वाला जो सबसे आसान तरीका होता है कि ये जो खून की कमी हो रही है उसके लिए हम क्या करें, कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं? जी अगर किसी महिला में इसकी वजह से खून की कमी हो रही है या फिर वो अनहेल्दी डाइट ले रही है इस वजह से भी खून की कमी होती है, तो सबसे पहले गुड़ और चना खाएं और अंकुरित दाल और चने अंकुरित खाएं, अंकुरित भोजन मतलब जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिला है वो खाएं। जी हाँ मित्रों, गुड़ और चना, गुड़ क्योंकि आयरन का हमारा नेचुरल सबसे ग्रेटेस्ट सोर्स जो है, हमारा जो सोर्स है आयरन का सबसे बड़ा सोर्स है गुड़, और कैल्शियम यानी कि चना, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, एक यानी कि कंप्लीट फूड हो जाता है, कंप्लीट दवा हो जाती है गुड़ और चने का योग। और याद होगा आपको संतोषी माता का व्रत, किसी को याद है ना, इसीलिए। और वो किसका था, महिलाओं का व्रत है या पुरुष का व्रत था? दोनों का होता है, खाना तो उसमें सब कुछ है, लेकिन मतलब जैसे संतोषी माता का व्रत है, जैसे आजकल नवरात्रि, नवरात्रि किसके लिए है? देवी माता के लिए, माता के लिए है, लेकिन इसको मेल रख के फीमेल रख के इसमें बाउंड्रीज नहीं है। बट वो जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि अभी एक आने वाला है करवा चौथ का व्रत,
वो तो महिलाओं के लिए है ना। तो ये जो व्रत है संतोषी माता का भी, ये स्पेशली फॉर वुमेन्स था। अब मेरे को जो अपना खून का लेवल अच्छा करना है, यानी कि मेरे को 16.5 करना है अपना एज अ मेल, तो मुझे भी गुड़ चना खाना है। और मैं आपको बताऊं, मैंने आज नहीं खाया लेकिन कल खाया था गुड़ और चना, और मैं रोज खाती हूँ। तभी आप जानते हैं उषा जी का हीमोग्लोबिन 12.6 है ना, यानी लेवल से ऊपर है। तो आइए अगली चीज हम लेते हैं, वो है इन दिनों नवरात्रे के दिनों आप हम सभी जौ बोते हैं अपने अपने घरों में, और जौ को 9 दिन रखने के बाद में, उसकी पूजा करने के बाद में थोड़े तो वो कान पे लगा लिए जाते हैं इस प्रकार से ऐसे करके, और बाकियों का क्या करते हैं उषा जी, फेंक देते हैं, पर उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, फेंक देते हैं या उन्हें सिरा के आ जाते हैं, नदी में बहा देते हैं, किसी पीपल के पेड़ के जड़ के पास में रख के चले आते हैं। नहीं मित्रों, वो जो ज्वारे हैं ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, उसमें से जो हरा रस निकलेगा ना, दैट इज कॉल्ड ग्रीन ब्लड, हरे रंग का ब्लड। हमारा लाल है उसका रंग हरा है, एज सिमिलर टू आवर ब्लड, बिल्कुल समान है, इसलिए हम उसका सेवन करें, उसको मुंह में डाल के चबाएं या उसका जूस निकाल करके बना के पिए, जिसे हम वीट ग्रास भी कहते हैं, तो वही है वो, उसको फेंके ना। तो जो भी जिसने भी अपने घर पे उगाई है वो, और जिसने नहीं उगाई है वो आज ही भिगो दें। आपके पास में जौ है, जौ भिगो दीजिए, आपके पास गेहूं है, गेहूं भिगो दीजिए, उसको रात में कल जरूर भिगो दीजिएगा और उसको लगाइए, ताकि आपकी जो एनिमिक वाली जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो खून की कमी है जिसके कारण ये दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स को हम शायद छोड़ रहे थे, सूजन भी होती है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अभी हम धीरे धीरे उनको लेंगे। क्रैम्प्स, क्रैम्प्स किसकी कमी के होता है, क्रैम्प्स का क्या कारण है, क्रैम्प्स भी इस समय पे होते हैं, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, पैरों में बड़े क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स का क्या है, क्रैम्प्स भी आप मानेंगे कि आपने अभी हमने बात करी कि ब्लड का जो लेवल है, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल है वो घट गया था, हम एनीमिक हो गए थे, खून की कमी थी, उसके कारण हमने क्या खाया, गुड़ और चना खाया, उतनी देर में हमारी क्रैम्प्स की भी प्रॉब्लम दूर हो जाती, क्योंकि ये हमने अभी बताया कि उसमें जो हमने अभी जो खाया उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में थी। मित्रों कैल्शियम क्या चीज है, कैल्शियम पर हम 5 मिनट लगाएंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे कि व्हाट इज कैल्शियम और इसका गोल क्या है। ये जो क्रैम्प्स होते हैं ना मित्रों, इसके लिए हमारा जो कैल्शियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन 5 दिन में। ये जो 5 दिन है जिसमें स्राव हो रहा है, इन 5 दिन में स्पेशली जैसा कि आभास होने लग जाता है जब किसी स्त्री को ये मासिक धर्म होने वाला होता है, तो उसको छाती में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये सिम्टम्स उसे दिखने लग जाते हैं उसी समय से, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे महीने। ये होता है कड़ी पत्ता, पिछले हफ्ते भी दिखाया था, हमेशा अपने पास रखता हूँ, 5 पेड़ है मेरे पास में, 5 गमले में इसी के पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। ये कड़ी पत्ता बहुत अच्छा सोर्स है आयरन एंड कैल्शियम का, इसकी इतनी मात्रा जैसे ये मैंने पकड़े हैं ना, रोज आप खाइए, कैल्शियम आपको कभी कम होगा ही नहीं। ये जो कैल्शियम है इसमें नेचुरल कैल्शियम है, लेकिन ये शरीर में अब्सॉर्ब कब होगा, जब शरीर में विटामिन डी होगा। डी कब बनेगा, जब हम धूप में बैठेंगे, धूप में बैठेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ई। ई भी होना चाहिए, ई हमें मिलता है आंवले से, ई हमें मिलता है ड्राई फ्रूट से, ई हमें मिलता है सहजन के पत्तों से, ड्रम स्टिक, मुरिंगा लीव्स, मुरिंगा बोलते हैं उसको, मूंगफली के दानों में है, यानी कि उनसे जो हमें विटामिन ई प्राप्त हो रहा है, ई हमारे शरीर में है, हमने बाहर से लिया, हम धूप में बैठे डी लिया, अब हमारे शरीर में डी बना, डी हमारी त्वचा के नीचे बना, अब हमने ये कैल्शियम खाया, ये तब लगेगा। अदरवाइज यदि हमने कोई और किया ना, वो कैल्शियम की गोलियां भी आती हैं आजकल बाजार में, पैकेट मिलता है ना, बहुत कुछ मिलता है, आप जानते हैं ना किस चीज को पीस के बनाते हैं वो, कैल्शियम शैशे बाजार में मिलता है ना, टैबलेट वगैरह बहुत कुछ मिलता है, वो चीजों को जो आप खाते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर में खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, खून में बढ़ेगा शरीर में नहीं, उससे क्या होगा, पथरी जैसे रोग उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो शरीर में लगा तो है ही नहीं। और यदि शरीर में घटा कैल्शियम का लेवल, तो आपको क्रैम्प्स होंगे, आपको पेन होगा, और आपकी जो हड्डियां वो खोखली हो जाएंगी। बस टीवी में एड आती है आफ्टर 35, वो नाम
ले लूं या नहीं। वो फला ब्रांड आता है उसकी, वो है एक एक्ट्रेस है, वो बोलती कहती 35 के बाद में ये वाला हमारा प्रोडक्ट जरूर खाना, व्हाई दिस प्रोडक्ट, ये खाइए, ये है नेचुरल और वो है अननेचुरल। नेचुरल चीजें आपने लेनी है, और जब तक डी नहीं लेंगे ना, तब तक उनका प्रोडक्ट आप लाएंगे, मुंह से खाएंगे और उसे निकाल देंगे, अपने शरीर से एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपकी हड्डियां खोखली की खोखली रह जाएंगी। सो ऐसी चीजें आपने लेनी है, नेचुरल चीजें लेनी है, इनको लेना है, धूप में बैठना है, योगाभ्यास करना है, उस पर भी अभी हम आ रहे हैं, यानी कि क्या क्या करना है, और ये कंप्लीट चेन है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कंप्लीट प्रोसेस होगी और आपका शरीर जो है वो कैल्शियम युक्त होगा। पीरियड्स के दौरान अधिक मात्रा में कैल्शियम लें, कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है पालक, बट जब हम उसे उबाल देते हैं, यानी कि जब हम उसका पालक पनीर बना देते हैं, बहुत खराब हो जाता है। है ना। उसको ऐसे ही खाएं या तो साफ करके धो के ऐसे ही खा लें या फिर उसका जूस बना के पिए, बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि आप पालक पनीर बना रहे हैं उसको आपको कुछ उबाल के अजीब खा तो रहे नहीं हैं। लग रहा मैं पालक मंगाऊं? यानी पालक के पत्तों को ऐसे धोना है पानी में और मुंह में डाल के चबा के खा लेना है, ज्यादा नहीं, तो 4-5-6 पत्ते आप खा ही सकते हैं, अच्छे से धोएं और उसको खाएं। वो जो कैल्शियम आपको मिलेगा ना, किसी टैबलेट में नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें। और जो आयरन है वो तो आयरन कैल्शियम, जो पालक है हमारी आयरन के लिए तो जानी जाती है ना। तो यानी ये चीजें यदि आप लेते हैं, इन चीजों की डेफिशिएंसी आपको रोग ग्रस्त करती है, यानी कि रोग, पीरियड्स इज नॉट द रोग, ये तो एक अवस्था है, ये चक्र है, ये तो होगा ही होगा, इसको हम रोग नहीं, वो जो दर्द हो रहा है, वो जो स्वेलिंग हो रही है, वो आपको जो क्रैम्स हो रहे हैं, वो आपको आलस से आ रहा है, वो जो उल्टी हो रही है, वो उनकी रोग की बात कर रहा हूँ कि उन रोगों से आप बच सकते हैं यदि आपका जो न्यूट्रिशन जो है, ऐसी जो आप चीजें लेते हैं तो आप बिल्कुल। कि इसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा क्या करें, ये तो वही घर में अपने खाने की बातें, तो ऐसी और कोई चीज खाने की कोई और बच रही है कुछ मैं भूल रहा हूँ? आंवला लीजिए, नींबू का आंवला, पानी लीजिए। नींबू पानी, जी हाँ नींबू पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। गुनगुने पानी में, आई एम राइट जी, गुनगुने पानी में नींबू, और जो आप नींबू नहीं भी लेते हैं तो गुनगुना पानी पीजिए, आप पूरे बहुत दिन रिलैक्स फील होगा उससे। गुनगुना पानी पिए तो उस दौरान होने वाले जो दर्द है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और क्या कर सकते हैं घरेलू, जो हमारे घर में हो, किचन में हो, कुछ अदरक, जीरा, हल्दी, धनिया, कुछ हाँ, जीरे का पानी पी सकते हैं आप लोग, जीरे का पानी, मेथी दाने का पानी पी सकते हैं, मेथी दाने को चबा भी सकते हैं, बहुत रिलैक्स फील होगा उससे। जी, और इसी के साथ में अदरक, आप अदरक लीजिए, उसको कद्दूकस कीजिए, उसको घिसिए, कूटिए, उसका रस निकालिए, 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस पी जाइए। आप जानते हैं कि अदरक जो है नेचुरल पेन किलर है, तो कौन कौन सी दवा आती है, ब्रूफेन वगैरह, कौन कौन सी दर्द निवारक गोलियां जो महिलाएं इस दौरान दर्द में खा लेती हैं अक्सर, जो घर में पड़ी रहती हैं, अदरक एक नेचुरल पेन किलर है, उसके बाद आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जैसे कि ब्रूफेन लें, आप एक टैबलेट तोड़े, उसको आधा तोड़े, आधा खा लें, आधा रख दें, तो आपका दर्द नहीं खत्म होगा। वैसे उचित मात्रा यदि आप 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस पीते हैं तो आपका दर्द बंद हो जाएगा। थोड़ा सा मे बी जो लोगों की टेंडेंसी है, जैसे मेरी है, मैं अदरक ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे कुछ हल्का कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उसके लिए मैं त्रिफला लूंगा या पेट साफ करने के अपना और कोई सनाई का पत्ता है या पेट साफ करने के बहुत सारे हैं तो मैं वो करूंगा। तो ऐसी चीजें करूंगा और उसके साथ साथ मैं नींबू का प्रयोग जरूर करूंगा। नींबू हमारे पेट को भी साफ करेगा और हमें दर्द में राहत देगा। अजवाइन है, हल्दी है, ये बहुत सारी जो हमारे घर में औषधियां हैं ये बहुत ही कारगर हैं, कभी यूज करके देखिए, बस मात्रा हमें रखनी पड़ेगी और इनको जलाना, भूलना, छौंकना इत्यादि नहीं है। जैसी ईश्वर ने हमें दी है हम प्रयास करें वैसी लें, जैसी अदरक दी है। अब अदरक को हमने क्या किया, उबाल दिया, खराब हो जाएगी, हमने क्या किया, सिर्फ उसका सिंपली रस निकाल लिया और पी लिया, वो इसलिए कि वो तीखी होती है, वरना इतनी बड़ी गांठ चबाने में आपको काफी समय लगेगा, इसलिए मैंने आपको बोला हम रूप उसका नहीं बदलेंगे, बस हम जैसा ईश्वर ने दिया है उसका रस निकाला, बिना छाने, बिना उबाले, बिना उसको बर्फ जमाए, बिना छौके उसको ले लेना, ये वो उसका प्राकृतिक रूप, ऐसे हमने करना है। इसके बाद आते हैं मालिश, यानी प्राकृतिक चिकित्सा। जी उषा जी, प्राकृतिक चिकित्सा में
ऐसे कौन कौन से तेल हैं या प्राकृतिक चिकित्सा है जिससे कि हमें इस दौरान होने वाले, आप क्या क्या अपनाते हैं कि इस दौरान क्या आप अपनाते हैं जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं? अगर आपको पेन ज्यादा हो रहा है पेट में, तो आप अपने अपने पेट की मालिश कर सकते हैं बादाम ऑयल से। बादाम ऑयल से? जी, हमारे पास में जैसे आप मान लीजिए कि बादाम ऑयल नहीं है तो हम क्या करें? कोई और ऑयल ले सकते हैं। जी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑयल्स हैं हमारे पास में, कि एक हमारे पास में है ये लैवेंडर ऑयल। लैवेंडर ऑयल को हम क्या करेंगे, लैवेंडर ऑयल को किसी तिल के तेल में मिलाएंगे, बादाम के तेल में मिलाएंगे या किसी भी सरसों के तेल में मिलाएंगे लैवेंडर ऑयल को, और इसको हम पेड़ स्थान पर इससे मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद में हॉट बैग से हम सिकाई कर देंगे। ये लैवेंडर ऑयल बहुत कारगर है। बादाम ऑयल है, जैसे यहाँ पर कलौंजी का तेल आप देख रहे हैं, कलौंजी का तेल अपने आप में एक बेहतरीन औषधि है। यहाँ पर हमारे पास में ये अश्वगंधा ऑयल है, ये अपने आप में एक ऐसे तेल है जिनसे आप कमर पर मालिश करें और उसके बाद में वहां पर सिकाई करें। पहले सिकाई करें 5 मिनट, मालिश करें हल्के हाथ से, और उसके बाद में फिर से उसकी गर्म सिकाई करें। अब गर्म सिकाई में दो प्रकार की सिकाइयां होती हैं, एक तो हमने हॉट बैग लगा दिया सिंपली वो, और नहीं तो हम गीले कपड़े के द्वारा। गीले कपड़े को हम, यानी कि कपड़े को लेंगे, उसको गुनगुने पानी में डालेंगे और उससे भी हम सिकाई कर सकते हैं। सिकाई की विधि कोई सी भी ली जा सकती है, और सिकाई इतनी इफेक्टिव होती है, मैं बताऊं कि जितनी भी महिलाओं से मैंने आज तक बात की है उन्होंने 80% ने यही बोला है कि हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती यदि हम सिकाई कर लेते हैं। तो आप सिकाई करें, ये दवाई जो है ना बहुत खतरनाक है मित्रों, इस दवाई का हम सेवन से बचें। यदि आपको सिर्फ दर्द हो रहे हैं और पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो आपको हॉट एंड कोल्ड, एक तरीका होता है प्राकृतिक चिकित्सा का, उसमें हॉट एंड कोल्ड एक बात होती है, उसमें आपको एक सर्टेन टाइम के लिए ठंडे और गर्म पानी में बैठना होता है, उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अपने इन दिनों, आप खासकर इन दिनों यदि आप अपना भोजन ऐसा रखते हैं, सात्विक भोजन रखते हैं जिसमें दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल, रोटी, इस तरीके की हल्की सुपाच्य चीजें खाते हैं, रसाहार रखते हैं, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। चाय, महिलाएं चाय इन दिनों बहुत पीती हैं। हाँ, वो गर्म है, आपको गर्माहट देगी, आपको कुछ थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ महसूस होगा, उसके अंदर अदरक थी, शायद अदरक डाली थी, तो उससे भी थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन चाय, कॉफी, कैफीन, कोको कोला, पेप्सी इत्यादि से, जैसा औषधि ने भी हमें बताया, इन सब से हम दूर रहें, तो हम थोड़े ही समय में, आई एम नॉट सेइंग कि गारंटेड आप इसी महीने से, आपको ये जो हमने विधि बतलाई है या जो हम बतला रहे हैं इससे अब जो नेक्स्ट पीरियड होगा या आपका जो पीरियड चल रहा है दैट इज पेनलेस, बट आई एम वेरी श्योर कि विद इन अ मैक्सिमम स्पैन ऑफ टाइम, मीन्स 6 महीने के भीतर यू विल बी पेन लेस पीरियड, यू विल गेट डेफिनेटली। किसी को पहले महीने से लाभ हो जाता है, किसी को पहले महीने हल्का प्रभाव पड़ता है, किसी को दूसरे महीने, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ में आप बिल्कुल पेनलेस पीरियड का अनुभव करेंगे। जी, इसमें आपने बताया था शुरू में कि वॉकिंग, हाँ, हल्का वॉक करें जितना हो सके उतना। तो वॉकिंग ऐसा क्या है कि वॉकिंग करने से हमें आराम मिलता है, ऐसा क्या है? बॉडी मूवमेंट करेगी तभी आपको रिलैक्स फील होगा उससे। जी, तो अब इसमें मिथ भी आता है, बोलते हैं, कहते हैं कि योगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो योगा चाह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि तो योगा करना चाहिए, जब वॉक कर सकते हैं तो योगा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने पिछले हफ्ते किसी को एडवाइस दिया था कि वॉक करना, तो उनका ये था कि जी उठा जाता नहीं है, आप जी वॉक करने की बात आप कर रहे उतना हैं। चाह नहीं रहे इसलिए उठा नहीं रहे। आप करके देखिए, एक बार ट्राई करिए और ओके, हमें क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो योगा भी कर सकते हैं। तो योगा के लिए हम अपने आचार्य जी से निवेदन करेंगे, वो अपना नाक लगा लें, हम योगा पे आ रहे हैं, कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, कौन से ऐसे आसन हैं जिससे कि हम मतलब हम फ्री हो सकते हैं, और आप में से कौन बताएगा कि वो कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में बनता है जिसके कारण, थोड़ी सी हिंट दे दो, ब्रेन में बनता है, एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में बनता है वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से,
योगा करने से, योगा बोल रहा हूँ, मूल शब्द योग है, आई आई एग्री, ठीक है। तो हम उसके शब्द में उसके उसमें नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में बनता है जिससे हमारा दर्द खत्म होता है, कम होता है। जल्दी से झट से आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में बनता है। तो मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तब तक हम चलते हैं योगाचार्य क्या है पूजा जी की ओर। वो हमें बताएंगे कि हम कौन कौन से ऐसे आसन, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं करें जिससे कि हमें इस दौरान होने वाले जो पेन है, आप जी सभी लोगों को नमस्कार। मैं कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो कि मासिक धर्म के समय बहुत लाभकारी होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ आसन, जैसे कि जो पेट पे प्रभाव डालेंगे हमारे, जैसे कि नौका चालन, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। देखिए पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, पेट दब रहा है हमारा, और ये देखिए इन अभ्यासों को उसी समय पर करना है जिन, वैसे तो हम महीने में सारे करेंगे, लेकिन उस समय पर खासकर कौन कौन से आसन किए जाएं, मैं वो आसन बता रही हूँ केवल। जानु शीर्षासन, देखिए पेट पर प्रभाव पड़ेगा, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सेम दूसरे पैर से भी यही करेंगे। ये देखिए, ये श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, वापस जैसे गए थे वैसे ही आएंगे, दोनों पैरों से एक साथ। ये देखिए पेट पे प्रभाव डालने वाले आसन। धीरे से वापस अगला अभ्यास हम करेंगे, तितली की क्रिया। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए ऐसे, ये, और ऊपर नीचे कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे लिम्फ नोड्स एक्टिव होंगे और हमें उस समय पर आराम मिलेगा। आइए अगला देखते हैं, मत्स्य आसन। एक पैर को ये उठा के ये रख लिया, दूसरे को फोल्ड किया और जो लेग है उसका ऑपोजिट हैंड होगा और इसको घुमा के लेके आएंगे ऐसे, जितना भी आप ला सकते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर इसको पकड़ना है, आप इतना कर सकते हैं, इतना करेंगे केवल। और पीछे देखेंगे, धीरे से वापस सेम दूसरे पैर से, ये और ये हाथ हमारा पीछे गया, और पीछे देखेंगे। धीरे से वापस अगला अभ्यास करेंगे, मंडूकासन का। वज्रासन में बैठते हुए ये दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, ये रखा, श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए। अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन का। इसी में ये हम खड़े हो जाएंगे, ये हाथ हमारा गया,
और धीरे से वापस यहीं से हम भुजंगासन, जो कि पेट पे प्रभाव डाल रहा है, दोनों पंजे मिले हुए पीछे, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। कुछ समय के लिए रुकेंगे यहाँ पर और धीरे से वापस एक बार फिर से। नाभि हमारी जमीन पर ही रहेगी, इतना उठेंगे बस। धीरे से वापस अगला अभ्यास करेंगे, मार्जरी की क्रिया। श्वास भरते हुए ऊपर गर्दन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर और धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का, जो कि आसन और प्राणायाम के बीच सेतु का कार्य करता है, अनुलोम विलोम। एक हाथ से ऐसे बनाएंगे हिरण की तरह आकृति, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये मैंने किए 2 चक्र, आपको कम से कम 5 चक्र करने हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे थायराइड के लिए, उज्जाई का। श्वास लेते हुए गले को गले में संकुचित करते हुए धीरे धीरे श्वास लेंगे, दोनों नासिका से छोड़ देंगे। गले को संकुचित करते हुए फिर से एक बार, अगला करेंगे भ्रामरी, एक बार भ्रामरी और एक बार ओम का जप। श्वास भरेंगे लंबा गहरा और श्वास को छोड़ते हुए भवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे।
तो आइए एक बार फिर से चलते हैं हम उषा जी की ओर, कि ये तो हमारे यौगिक अभ्यास थे जो हमें करने हैं। हम फिर से एक बार उषा जी का स्वागत करते हैं कि उषा जी हमें और कुछ ज्ञान दें, हमें बताएं कि इस विषय में और कुछ सावधानी, कोई और ऐसी कॉम्प्लिकेशन, यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस विषय को लेकर के तो वे भी आप उषा जी से पूछ सकते हैं। जी, कुछ और आप हमारे दर्शकों के कुछ मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, कि किसी और, जैसे इन दिनों गर्भाशय में सूजन आ जाती है, यदि किसी महिला के साथ में ऐसी सूजन की समस्या है, वैसे तो आमतौर पर हो ही जाती है, तो उस अवस्था में ओमेगा 3 यानी कि अलसी, अलसी का तेल, अलसी का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। अलसी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यानी मित्रों, कुल मिलाकर के बात यही है कि हमारे आसपास, हमारी रसोई में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, बट जैसे कि अभी हमने बात करी अदरक, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी बहुत कम लेते हैं, जिसलिए वो काम नहीं कर पाती। और उसका उदाहरण हमने समझा उस दवा से कि यदि हम दवाई को तोड़कर 1/4 गोली खा लेंगे, यानी 100 mg की जो गोली है उसको हम जो 1/4 खा लेंगे, तो 25 mg हमने खाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द की गोली जैसे ब्रूफेन का नाम आ रहा है, 200, 400 mg, 500 mg की होती है, तब जाकर के हमारा कहीं दर्द कम होता है। इस दौरान यानी कि खासकर उषा जी कि इन दिनों, तो मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते जी हैं, और मेरे प्रिय दर्शकों आप भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। इफ आई एम रॉन्ग एट एनी पॉइंट, डोंट हेजिटेट, ये मंच खुला हुआ है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, किसी के पास में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मेरे पास में भी अल्प ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान के आधार पर ही बात कर रहा हूँ कि इस दौरान महिलाओं को कम से कम 1000 से 1200 mg, जिसको हम बोलते हैं मिलीग्राम, कैल्शियम का इंटेक करना होता है। और यानी कि दैट इज वेरी हाई, एक आप टैबलेट खा लेंगे ना तो उसमें कॉन्सेंट्रेट रूप से है या आर्टिफिशियल रूप से कैल्शियम है, और वो सीधा आप खा लेंगे तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। बट आप जो पालक की बात करें, आप कड़ी पत्ते की बात करें, तो ये सारी चीजें आपने इंटेक बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ धूप लेनी ही होगी। धूप के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि धूप लेंगे तो ही आपकी बात बनेगी। गुड़ चने को प्लीज कभी मत भूलिएगा, गुड़ चने को आप अपने जीवन में रखिएगा। आप जो और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, जैसा कि मैं भी बात कर रहा था कि संतोषी माता की कथा पढ़िएगा, वहां पर कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात हुई थी, और मैंने भी आपको बताया कि इफ फीमेल इज नॉट फुली सेटिस्फाइड विद हस्बैंड व्हाट विल हैपन। ऐसे ही ये जो गुड़ चना है बहुत बड़ा रहस्य है, एक शादीशुदा अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है गुड़ चना, तो गुड़ चना जरूर खाएं, सब खाएं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, नुकसान से याद आया मुशा जी, इन दवाओं का जिनकी हम बात करते हैं, जो हार्मोन्स ले लिए जाते हैं कि पीरियड नहीं हो रहा है तो हार्मोन्स, और ज्यादा पीरियड हो रहा है तो हार्मोन्स, इनका दुष्प्रभाव हम कैसे जाने कि इनके बारे में तो हमने बात नहीं की। वैसे तो मैं भी जानता हूँ कि किसी भी दवा के बारे में कोई भी टिप्पणी करना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, बट मित्रों कोई भी दवा खाने से पहले कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना उषा जी, हम जाके हाँ, गूगल पे गूगल पे चेक कर जाके लें। चेक कर लीजिए कि आप कोई सी मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको हार्मफुल तो नहीं है। और उषा जी, अभी पिछले साल जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 500 से अधिक दवाओं को बैन किया, इसीलिए बैन किया, इसीलिए बैन किया, पिछली क्योंकि रात हार्मफुल तक है। वो दवाएं बिक रही थी, वो दवाइयां बिक रही थी, हम सब खरीद रहे थे, हम सब खा रहे थे, और वो दवाइयां हम 10 साल से खा रहे थे। अचानक रिपोर्ट आई, सरकार जागी, उसने बंद किए, आज नहीं तो अगले महीने, अगले महीने तो या अगले साल, ये जो दवाइयां आप आज खा रहे हैं, मैं आज खा रहा हूँ, सॉरी मैं तो नहीं खा रहा हूँ, आप खा रहे हैं, तो आप जो दवाइयां ये जो हमारे केमिस्ट इधर उधर बिक रही हैं, सब तो चल रहा है, व्यापार चल रहा है, आज नहीं तो कल बंद होनी ही होनी है। कब बंद होंगी मेरे पास में उसका डेटा नहीं है कि कब बंद होंगी, लेकिन उनके इतने दुष्प्रभाव हैं कि वो आज नहीं तो कल वो बंद करनी ही होंगी। लेकिन इसका यदि आप मुझे दुष्प्रभाव बता सकें, कड़ी पत्ते का, अदरक का, हल्दी का, अति सर्वत्र विजिते आई नो,
बट किस क्या इसका कोई साइड इफेक्ट, यदि आप मुझे बता पाए तो जरूर लिखिएगा मित्रों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे को पीछे से आवाज आ रही है, हमारी टीम के एक मेंबर हैं, वो पीछे से कुछ कहने के लिए बेताब हैं। क्या कहना चाहते हैं? चलिए, ओ आप तो पहले आए हुए हैं जी, क्या है ये, क्या दिखा रहे हैं आप? मैं दिखाता हूँ, आप बताइए जी। नमस्कार, आपकी योगाचार्य शिखा आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। जी ये लेके आए हैं ये जी। अच्छा जी, देखिएगा, पढ़ लीजिएगा और हाँ अपना रुझान जरूर दीजिएगा। बताइए आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर उन अच्छाइयों को बताइए। यदि हमारे प्रोग्राम में आपको कुछ भी थोड़ी सी भी त्रुटि लगती है तो उसके बारे में जरूर बताइएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग बिना हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए और हमेशा चाहिए। क्या लिखा है आचार्य जी, मैं भी देखूं जी। आचार्य जी दिखा रही हैं कि काइंडली सेंड डोनेशन इन एनी ऑफ दीज वेज। जी हाँ मित्रों, आपका मोरल सपोर्ट, जिसे बोलते हैं ना तन मन धन, धन लास्ट में है, आपके थोड़े से सहयोग से ऐसे ही हम रोचक कार्यक्रम, जानकारी भरे कार्यक्रम, लाभदायक प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। हाँ, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के प्रोग्राम ज्यादा पसंद आते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो हम कुछ आपकी तरह आपके पसंद के प्रोग्राम लाना चाहेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में शेयर भी बहुत कम हुए हैं, लाइक भी थोड़े कम हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, शायद जो हम देख रहे हैं वही आप लोगों को दिख रहा है, तो प्लीज आप अपना रुझान जरूर हमारे सामने रखिए, हम उस तरह के प्रोग्राम आपके लिए अवश्य लाएंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए समय पर एक नए विषय के साथ में। मैं योगाचार्य जितेंद्र सिंह, और मैं आज उषा, आज हम उषा जी के साथ में थे। आचार्य जी हमारे पीछे चली गई हैं, पूजा जी ने आपको आसन इत्यादि सिखलाए, तो हमारी संपूर्ण टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। बदले में हम आपका सहयोग चाहते हैं, तो मैं ये पूरा विश्वास रखता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम को शेयर करना ना भूलें। धन और तो लाइक बहुत, करना भी, कमेंट और भी करिएगा, और कुछ खराब लगता है वो भी कमेंट कीजिए। सारा लाइक भी, कमेंट भी, शेयर भी, सब कुछ। जरूर, हम आपके कमेंट के लिए ही बैठे हैं और आपके कमेंट की वजह से, लाइक की, शेयर की वजह से हम यहाँ बैठे। ठीक है, सब लोग कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, आज लाइक भी कर दीजिए, उषा जी ने कहा है। तो मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ में। तब तक मुझे और मेरी टीम को, यानी निरियोग टीम को, निरियोग यानी कि हमारे जो निरियोग हैं वो बेसिकली एक एनजीओ ट्रस्ट है, और जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग निःशुल्क भिन्न भिन्न स्तर पर, जैसे इन दिनों ऑनलाइन ही हम लगे हुए हैं, ऑफलाइन हमसे जो भी हो सकता है हम कार्य करते चले आए हैं, और आगे भी निस्वार्थ होकर शुद्ध ज्ञान हम परोसते रहेंगे, आपके सम्मुख लाते रहेंगे। आपको प्रत्यक्ष रूप में यदि कोई कार्यक्रम रखवाना है तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, संपर्क आपके पास में नंबर है, आप कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, और शीघ्र मिलते हैं। आप सभी का नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।